हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट लाइट में। आज के इस वीडियो में देखेंगे हिंदी के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकते हैं। यहां पर हम लोग ऑनलाइन इस टेस्ट को देख रहे हैं, तो जैसे ही हम लोग सबमिट करते जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आते चलेगा, और जैसे हम लोग सबमिट कर देंगे फाइनल, वैसे हमें पता चल जाएगा कि हमारे कितने क्वेश्चन सही थे और कितने क्वेश्चन गलत थे। तो अगर आपके पास 10 से 12 मिनट का अगर टाइम हो, हम लोग 50 क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं 10 से 12 मिनट में। तो अगर आपको 10 से 12 मिनट टाइम हो तो इस टेस्ट को आप लोग देखिए, वरना आप इसे बाद में देख सकते हैं। चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं, साथ आप लोग देखते चलिए कि आपका कौन सा जवाब है और लास्ट आप उसको मैच कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर केवल हम लोग हिंदी के क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने वाले हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है, वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है। तो देखिए, इनमें ऑप्शन नंबर सी जो प्रतिज्ञा लिखा गया है वो सही शब्द है। आप लोग भी अपना आंसर चूज करते चलिए, मैं अभी इसमें अपना आंसर चूज कर रहा हूँ और लास्ट में हम लोग मैच कर लेंगे कि कितने क्वेश्चन सही थे और कौन सा क्वेश्चन जो हम लोगों ने अटैम्प्ट किया वो गलत हम लोगों से हो गया था। चलिए, तो हमारे समझ से ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है, तो हम लोग सी को सेलेक्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन है, जो गुण दोष का विवेचन करता हो, जो गुण दोष का विवेचन करता हो। चार ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोग अपने हिसाब से देखते चलिए कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब होना चाहिए आलोचक। मन हारना, मन हारना, आपको इस मुहावरे का सही अर्थ बताना है। तो देखिए, मन हारने का मतलब होता है ऑप्शन नंबर डी, हिम्मत हारना। जो उपकार को ना माने, आपको बताना है कि जो उपकार को ना माने। आपको 4 सेकंड का समय दिया जाएगा, आपको खुद का अपना आंसर चूज करना है, फिर यहाँ से बताया जाएगा कि आपका आंसर कौन सा होगा और लास्ट में हम लोग इसे मैच कर लेंगे। जैसे हम लोग टेस्ट को सबमिट करेंगे हमें अपना स्कोर पता चल जाएगा, साथ में सॉल्यूशन भी पता चल जाएगा। जो उपकार को ना माने उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं कृतज्ञ। सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है, चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखिए, पुस्तक का पुस्तकें हो सकता है, लड़का का लड़की हो सकता है, माला का मालाएँ हो सकता है, लेकिन सहायता का सहायता जो है वो हमेशा एक वचन में ही प्रयुक्त होगा, तो सहायता होना चाहिए। कृष्ण का पर्यायवाची बताना है आपको, तो ये आपको पता ही होगा, ये है वासुदेव। आप लोग अपना क्वेश्चन आप लोग अपना खुद से चूज करते चलिए कि आपका जवाब इसमें क्या था। बुद्धिमान का स्त्रीलिंग आपको बताना है, तो सही जवाब होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, बुद्धिमती। वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, चार ऑप्शन दिए गए, आपको बताना है कि इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, साजिश। उपवन, आपका उपवन का पर्यायवाची शब्द बताना है, तो उपवन का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो बगीचा। आकाश में घूमने वाला, आपको बताना है कि जो आकाश में घूमता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे बोलते हैं नभचर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से बाण का पर्यायवाची शब्द नहीं है, देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो आप ये ना सोचिएगा कि ऊपर दिख गया बाण का पर्यायवाची तीर तो उसी को हम लोगों ने सेलेक्ट कर दिया, तो ऐसा नहीं करना है, हमें क्वेश्चन को पहले पढ़ना है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सर। पक्षी, पक्षी का आपको पर्यायवाची शब्द बता रहे हैं, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विहग। और पक्षी के जो अनेक जो और भी पर्यायवाची शब्द हैं वो हैं नवचर, अंडज, शकुनी, पखेरु, ये सब पक्षी के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला क्वेश्चन है, छाती पर मूंग दलना, आपको बताना है कि छाती पर मूंग दलना इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा। आपको 4 सेकंड का समय दिया जाएगा, तो सही जवाब हो जाएगा पास रहकर दुख देना। सूरज को दीपक दिखाना, सूरज को दीपक दिखाना, आपको बताना है कि इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुविख्यात व्यक्ति का परिचय देना। आप खुद से अपना आंसर चूज करते चलें और लास्ट में लोग मैच कर लेंगे। आपको बताना है विलोम शब्द जीवन का, आसान सा क्वेश्चन है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मरण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिवेर। आपको अमृत का विलोम बताना है, तो अमृत का विलोम होता है आपको पता ही होगा विष।
नौजवान, देखिए यहाँ पर एक दिया गया है, यहाँ पर एक पैसेज दिया गया है, आपको वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ना है और फिर आपको इसका जवाब देना है। चलिए हम लोग अगर पढ़ लेते हैं, फिर आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। पैसेज को हम लोग यहाँ पर सॉल्व नहीं करेंगे, पैसेज को हम लोग सॉल्व यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। पैसेज पर आपके 3 से 4 क्वेश्चन हो सकते हैं, आप लोग क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन पढ़िए और साथ में आप इसका आंसर यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि चौराहा शब्द में कौन सा समास है, तो चौराहा में होगा द्विगु समास। कहानी कौन सुना रहा है, तो आप यहाँ से ऑप्शन पढ़ सकते हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी उसी पैसेज का है। यहाँ पर पूछ रहा है नफरत का पर्यायवाची शब्द, तो पैसेज हमें तो पढ़ना ही है, लेकिन नफरत का पर्यायवाची शब्द हम लोग ऐसे भी बता सकते हैं। नफरत का पर्यायवाची शब्द होता है घृणा। चलिए अब क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निःशुल्क शब्द में कौन सी संधि है, आपको बताना है कि निःशुल्क जो लिखा हुआ है उसमें कौन सी संधि है। तो ये आसान सा है, इसमें विसर्ग संधि है। अगला क्वेश्चन है, प्रेमचंद्र अपने डैश उपन्यासकारों को बहुत दूर तक प्रभावित किया है। 4 ऑप्शन दिएगा, आपको बताना है कि सही जवाब इसका क्या होगा। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परवर्ती। फुफेरा शब्द में प्रत्यय है, फुफेरा शब्द में प्रत्यय कौन सा है आपको बताना है। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, एरा। आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, उनमें उपयुक्त उपसर्ग को चुनकर लिखिए, जैसे पराजय है तो उसमें कौन सा उपसर्ग है ये आपको बताना है। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, परा। अगला क्वेश्चन है, ये आपको बताना है कि इनमें से कौन सा पहले आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा, उसके पहले कौन सा आएगा। तो चारों को पढ़ लीजिए। पहला है, जीवन में दोनों का महत्व है लेकिन उनके क्षेत्र अलग अलग हैं। ऑप्शन नंबर बी है, मनुष्य के पास बुद्धि के साथ हृदय भी है, और यहाँ पर सी में दिया गया है, तथा हृदय का संबंध अनुभूत और भावनाओं से है, बुद्धि का संबंध विचारों से। आपको इसको एक लाइन में इसको ऐसे करना है कि ये एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाए। तो देखिए, अगर हम लोग बोलें ऑप्शन नंबर बी को पहले, मनुष्य के पास बुद्धि के साथ हृदय भी है, और इसके बाद बी के बाद हम लोग ए देखते हैं, हृदय भी है, जीवन में दोनों का महत्व है, यहाँ पर बुद्धि और हृदय दोनों का बात कर रहा है, लेकिन उनके क्षेत्र अलग अलग हैं, और इसके बाद हम लोग देखते हैं बुद्धि का संबंध विचारों से है तथा हृदय का संबंध अनुभूति से है। तो देखिए, ये हम लोग देखते हैं बी ए सी और डी, बी ए डी और सी किस में मैच कर रहा है, तो ये हमारा है ऑप्शन नंबर डी में। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आप लोग खुद से भी उसे देख सकते हैं। करुण रस का अस्थायी भाव है, आपको 4 सेकंड का समय दिया जाएगा, आपको बताना है करुण रस का अस्थायी भाव है, तो करुण रस का अस्थायी भाव होता है शोक। पाप पुण्य शब्द में कौन सा समास है, पाप पुण्य शब्द में कौन सा समास है, तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर सी, द्वंद्व समास। तरणी तनुजा तटतमाल तरुवर बहु छाए, इसमें कौन सा अलंकार है आपको बताना है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुप्रास अलंकार। देखिए, जहाँ पर एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। बिहारी सतसई के रचनाकार कौन है, बिहारी सतसई के रचनाकार कौन है, तो बिहारी सतसई बिहारी लाल ने लिखा था। किस समास में उत्तर पद प्रधान होता है, तो समास आपको पहले पढ़ाया जा चुका है, आपने अगर पढ़ा होगा तो आप इसका जवाब आसानी से दे पाएंगे, तो तत्पुरुष समास इसका सही जवाब होगा। देखिए, 4 यहाँ पर दिया गया है, आपको बताना है कि इनमें से प्रत्येक प्रश्न के वाक्य दिया हुआ है, कुछ वाक्य बिल्कुल शुद्ध हैं पर कुछ गलती है, वाक्य के जिस भाग में गलती है, ए बी सी डी 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, और कोई गलती नहीं तो आपको ऑप्शन नंबर डी चूज करना है। तो चिरंजीव सिंह सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी हैं, आपको बताना है कि इनमें से क्या त्रुटि है।
तो इनमें मुझे कोई त्रुटि नहीं दिख रहा है, तो हम चूज करेंगे ऑप्शन नंबर डी। बड़े राज्यों को डैश छोटे राज्य बनाने के फायदे भी हैं नुकसान भी। बड़े राज्यों को डैश छोटे राज्य बनाने के फायदे भी हैं नुकसान भी। आपको जो खाली स्थान दिए गए हैं उसमें फिल करना है कि क्या होगा। तो यहाँ पर तोड़कर हो सकता है, क्योंकि बड़े राज्य को तोड़कर ही छोटे राज्य को बनाया जा सकता है। जोड़कर तो होगा नहीं, मिलाकर होगा नहीं, कटवाकर सही नहीं लग रहा है, तो तोड़कर ही हो सकता है। महाज और उदय संधि में कौन सा शब्द बनेगा? महाज और उदय को जब हम लोग एक साथ मिलाएंगे तो कौन सा शब्द आपका वहाँ पर बनेगा? तो ये बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महोदय। निर्देश, कुछ शब्द दिए गए हैं उनमें प्रयुक्त उपसर्ग को चुनकर लिखिए। देखिए यहाँ पर दुर्वस्था जो लिखा हुआ है उसमें आपको बताना है कि कौन सा उपसर्ग है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूर। मैंने जीवन में अनेकों धोखे खाए हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ए बी सी कौन सा जो है वो उसमें गलती है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनेकों धोखे नहीं होगा, जबकि यहाँ पर हो सकता है कि मैंने जीवन में अनेक धोखे खाए हैं, अनेकों नहीं होगा। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। पेड़ से पत्ता गिरा वाक्य में कौन सा कारक है? पेड़ से पत्ता गिरा इसमें कौन सा कारक है? आपको 4 सेकंड का समय दिया जाएगा। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेड़ से पत्ता गिरा वाक्य में। पेड़ से देखिए पत्ता के गिरने का यानी कि उसके अलग होने का पृथक का यहाँ पर भाव प्रकट हो रहा है, तो यहाँ पर होगा अपादान कारक। अगला क्वेश्चन है, हिंदी की प्रथम कहानी है, हिंदी की प्रथम कहानी है, तो इसको हम लोग स्किप करते हैं, इसका आंसर हमें नहीं पता है, इसको हम लोग बाद में देख लेंगे। बिल्ली चटाई के ऊपर बैठी है वाक्य में कौन सा विशेषण है? या फिर अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। बिल्ली चटाई के ऊपर बैठी है वाक्य में कौन सा विशेषण है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्थानवाचक। श्रीधर पाठक की सबसे प्रसिद्ध रचना है, श्रीधर पाठक जो है उनकी प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो इनकी प्रसिद्ध रचना है कश्मीर सुषमा। लागव चिन्ह का प्रयोग होता है, आपको बताना है कि लागव चिन्ह का प्रयोग होता है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बड़े अंश का संक्षिप्त रूप लिखने के लिए। 4 दिए गए हैं, आपको इनको व्यवस्थित करके लिखना है, तो आप इसको पढ़िए और फिर बताइए कि इसका क्या व्यवस्थित रूप हो सकता है। तो देखिए जो नाम दिया गया हम लोग उसी से शुरू करके पहले देखते हैं। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत को प्रथम संविधान देकर, तो ये अभी तक सही बैठ रहा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत को प्रथम संविधान देकर, उसके बाद हम लोग देखते हैं ऑप्शन ये देखते हैं, प्रजातंत्र और साम्यवाद की जड़ सुदृढ़ कर दिया। तो बी सी ए और डी हो सकता है, तो हम लोग चूज करेंगे बी सी ए डी। आप खुद से भी देख सकते हैं, लास्ट में तो हम लोग मैच कर लेंगे कि कितने क्वेश्चन हम लोगों ने सही किया और कौन सा क्वेश्चन जो हम लोगों ने अटेम्प्ट किया वो गलत था। चोर पुलिस को देखकर 9-2-11 हो गया। देखिए ऑप्शन नंबर सी जो लिखा है यहाँ पर 2-9-11 हो गया। आप लोग अगर जल्दी से पढ़ेंगे इसको 9-2 आप लोग पढ़ लेंगे, एरर आपको पहचान में नहीं आएगा। यहाँ पर 2-9-11 लिखा है लेकिन होता क्या है 9-2-11 होता है, ये मुहावरा यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो गलत लिखा हुआ है, तो हम लोग चूज करेंगे ऑप्शन नंबर सी। लड़का पेड़ से गिरा वाक्य में कौन सा कारक है? तो यहाँ पर अपादान कारक है। यहाँ पर आपको पैसेज दिया गया है, आपको पढ़ के इसको वीडियो को पॉज करना है, पढ़ना है और उसके बाद आपको इसका सही जवाब देना है। ये भी पैसेज के ऊपर ही क्वेश्चन है तो इसको हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे। आप लोग इसे वीडियो को पॉज कीजिए, पढ़िए, लास्ट में इसका आंसर आपको ज़रूर बता दिया जाएगा।
पानी पी प्यास बुझाना आसान है, इसमें कौन सा अलंकार है? ये क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसमें अनुप्रास अलंकार है। इसमें कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। अगला क्वेश्चन भी यहाँ पर वही पैसेज के रूप में ही दिया गया है, तो इसको भी हम लोग यहाँ पर नहीं देखेंगे। आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। तो ये हमारे 50 क्वेश्चंस यहाँ पर हो गए हैं। अब हम लोग सबमिट करते हैं, देखते हैं कि हम लोगों ने कितने क्वेश्चन सही किए हैं और कितने क्वेश्चन हमारा गलत हो गया है। तो देखिए, हम लोग का मुश्किल से 12 से 13 मिनट लगा है, हम लोगों ने सभी क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर लिया है। पैसेज पढ़ेंगे तो आपका 10 मिनट और लग सकता है, तो 50 क्वेश्चन को आप लोग आराम से 15 से 17 मिनट में कर सकते हैं। चलिए हम लोग वीडियो को सबमिट, हम लोग क्वेश्चन को सबमिट करते हैं यहाँ टेस्ट को। तो देखिए, हम लोग यहाँ पर अब सॉल्यूशन देखते हैं। हम लोगों ने यहाँ 42 करेक्ट क्वेश्चन किए हैं, इनकरेक्ट एक भी क्वेश्चन नहीं है, और अनअटेम्प्ट हमारे यहाँ पर 8 क्वेश्चंस होंगे। तो इनका हम लोग आंसर देख लेते हैं। नौजवान का क्या नाम था? हम लोग कुछ भी सर्च करते हैं, उनका उसका नाम था नागेश। आप लोग यहाँ से पढ़ के पैसेज और उसका आंसर आप लोग यहाँ से मैच कर सकते हैं। चौड़ा शब्द में कौन सा समास है? तो ये हम लोग जानते ही हैं, द्विगु समास। यहाँ पर पैसेज जो था, कहानी कौन सुना रहा था? कुछ भी सिलेक्ट करते हैं, बताइए, घासीदास, घासीराम। गप किसने हाँकी थी? तो बुलाकी राम ने। आप यहाँ से इसका पढ़ सकते हैं पैसेज और आपको पता चल जाएगा। तो हम लोगों ने जितने क्वेश्चन अटैम्प्ट लिए थे सभी क्वेश्चन सही थे। आप अपना चेक कर सकते हैं कि आपने जो अगर कोई दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट किया होगा तो वो आपका गलत हो सकता है, तो आप उसको मैच कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एक बार जल्दी से 2 मिनट में देख लेते हैं हम लोगों ने जो सही अटैम्प्ट लिया था उसको। चलिए, यहाँ पर हमने देखा था प्रतिज्ञा का, ये बिल्कुल सही है, प्रतिज्ञा का आपका वर्तनी यही होता है। आलोचक, यहाँ पर जो गुण धर्म की विवेचना करता है उसको बोलते हैं आलोचक। मन हारना यानी कि हिम्मत हारना। जो उपकार को ना माने उससे हम लोग बोलते हैं कृतज्ञ। जो उपकार को ना माने उसे कृतज्ञ बोलते हैं, और जो उपकार को माने उसे कृतज्ञ बोलते हैं। सदा एक वचन में प्रयुक्त होगा सहायता, बाकी माला का मालाएँ हो जाएगा, पुस्तक का पुस्तकें हो जाएगा, लड़का का लड़के हो जाएगा। कृष्ण का पर्यायवाची होगा वासुदेव। बुद्धिमान का स्त्रीलिंग होगा बुद्धिमती। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है साजिश। उपवन का पर्यायवाची हो जाएगा बगीचा। आकाश में घूमने वाले को हम लोग बोलेंगे नभचर। यहाँ पर बाण का पर्यायवाची नहीं है, तो क्या है वो? सर जो है वो बाण का पर्यायवाची नहीं है। पक्षी, इसका पर्यायवाची होता है विगह, विहग। छाती पर मूंग दलना यानी कि पास रहकर दुख देना। सूरज को दीपक दिखाना यानी कि सुविख्यात व्यक्ति का परिचय देना। जीवन, जीवन का यहाँ पर विलोम होगा मरण। आपको शुद्ध वर्चनी का चयन करना है, तो ये शिविर जो लिखा है वो सही है। अमृत का विलोम हो जाएगा विष। नौजवान का क्या नाम था? तो ये तो पैसे था, ये आप लोग कर लिए होंगे। यहाँ पर द्विगु समास होगा चौराहा में, ये पैसेज था। निःशुल्क शब्द में कौन सी संधि है? तो वहाँ पर विसर्ग संधि है। प्रेमचंद्र ने अपने परवर्ती उपन्यासकारों को बहुत दूर तक प्रभावित किया है। फुफेरा शब्द में प्रत्यय है एरा। पराजय में परा यहाँ पर उपसर्ग आपको लगा हुआ है, ये आपको अरेंज करना था ताकि ये एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन पाए। तो हम लोगों ने सही इसका जवाब दिया था बी ए डी सी। करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। पाप पुण्य शब्द में कौन सा समास है? तो यहाँ पर द्वंद्व समास है। तरणी तनुजा तत्तमाल तरुवर बहु छाए, इसमें अनुप्रास अलंकार है।
बिहारी सतसई के रचनाकार कौन है? तो ये है बिहारी लाल। किस समास में उत्तरपद प्रधान होता है? तो वो है तत्पुरुष। यहाँ पर कोई त्रुटि नहीं है इस वाक्य में। यहाँ पर बड़े राज्यों को तोड़कर छोटे राज्य बनाने के फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। महाजोर उदय, इसमें इसको जब हम लोग मिलाएंगे तो शब्द बनेगा महोदय। दुरवस्था, इसमें उपसर्ग है दूर। इसमें ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर बी है, उनको धोखे, मैंने जीवन में अनेकों धोखे, तो यहाँ पर अनेक धोखे होगा, ये यहाँ पर गलत है। पेड़ से पत्ता गिरा, इसमें अपदान कारक है। हिंदी के प्रथम कहानी, ये हम लोगों ने एक क्वेश्चन को हम लोगों ने स्किप कर दिया था, देखते हैं क्या होगा इसका। तो वो था इंदुमती, हिंदी की प्रथम कहानी है इंदुमती। इसका डिस्क्रिप्शन ये हम लोग पढ़ लेते हैं, सॉल्यूशन में क्या लिखा हुआ है। हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती है। इंदुमती कहानी के लेखक हैं किशोरीलाल गोस्वामी जी, याद रखिएगा। इंदुमती कहानी के लेखक है किशोरीलाल गोस्वामी जी, जबकि अन्य तीनों रचनाएं जो हैं वो संस्मरण हैं। बिल्ली चटाई के ऊपर बैठी है वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो यहाँ पर स्थानवाचक है। श्रीधर पाठक की सबसे प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो वो है कश्मीर सुषमा। लाघव चिन्ह का प्रयोग होता है बड़े अंश का संक्षिप्त रूप लिखने में, और यहाँ पर इसको अरेंज करना था, तो सही जवाब होगा बी सी ए डी। और यहाँ पर चोर पुलिस को देखकर 2 9 11, यहाँ पर 9 2 11 होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही है। लड़का पेड़ से गिरा, इसमें अपादान कारक है। और यहाँ पर ये हमारे पैसेज थे, आप लोग इसको मैच कर सकते हैं। तो ये थे हमारे 50 क्वेश्चंस। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको इस तरह के वीडियो चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, या फिर आप चाहते हैं कि ऑनलाइन टेस्ट ऐसे ना लेके जो क्वेश्चन हम लोग पहले लिख के जिसको सॉल्व कर देते उस तरह के होने चाहिए, तो जैसा भी लगे आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि पता चले कि किस तरह के वीडियोज़ आपको पसंद है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।